दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा एक्चुअली बीटा एसजी ब्लड टेस्ट का नॉर्मल रिपोर्ट कितना होना चाहिए, नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए, जिसको देखकर आप समझ जाओगे कि आप नॉर्मली प्रेग्नेंट हो। यानी नॉर्मली प्रेग्नेंट अगर आप है तो बीटा एसजी रिपोर्ट का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए और कितना से कितना तक होना चाहिए, जिसको देखकर आप प्रेगनेंसी को कन्फर्म कर पाओगे। और ये जो कॉन्फ्यूजन है ना, काफी सारा लोगों को होता है, ज्यादा से ज्यादा समझ नहीं पाता है और वीडियो का कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट किए हैं, इसलिए आज की इस वीडियो बना रहा हूं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्चुअली बीटा एसजी ब्लड टेस्ट का नॉर्मल रिपोर्ट क्या होना चाहिए और बीटा एसजी रिपोर्ट को आप खुद से घर बैठे कैसे पढ़ सकते हैं और आप खुद से आप समझ सकते हैं कि आप नॉर्मली प्रेग्नेंट है। और इस वीडियो का लास्ट में मैं आप लोगों को एक चीज बता के जाऊंगा, इसलिए वीडियो का लास्ट तक आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ केसेस में अगर आप डेज कैलकुलेशन किए उसका हिसाब से कुछ केसेस में बीटा एसजी लेवल कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी आपका डेज कैलकुलेशन के हिसाब से ज्यादा भी हो जाता है और कुछ केसेस में आपको फॉल्स पॉजिटिव भी देखने को मिलता है, फॉल्स नेगेटिव भी आ जाता है। तो इसलिए वीडियो का शुरू से लेकर लास्ट तक देखना बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप घर बैठे बीटा एसजी रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करके जरूर जाना। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको बीटा एसजी रिपोर्ट के बारे में और डिटेल्स में जानना है, यानी बीटा एसजी टेस्ट क्या होता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आई बटन पर एक वीडियो में दे दूंगा, आप जाके बीटा एसजी ब्लड टेस्ट के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। तो बीटा एसजी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को आप खुद से कैसे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं, इसको डिटेल्स में समझाने के लिए अभी मैं आपको लेके चलूंगा मोबाइल का स्क्रीन पर। शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप घर बैठे सोच रहे हैं कि आप बीटा एसजी रिपोर्ट कराना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा सा लैब को चूज करना है, जैसे कि बड़ा बड़ा कुछ लैब होता है, क्लिनिकल लेबोरेटरी होता है, जैसे कि डॉक्टर लालपैद हो गया, थायरो केयर, सीराम, रेनबेक्सी, एसआरएल और भी कई प्रकार का लैब होता है, वहां से आपको करना है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट कॉन्फर्म हो जाएगा, वरना आप यहाँ वहां रिपोर्ट करेंगे तो आपका रिपोर्ट गलत आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये जो पेशेंट का रिपोर्ट है डॉक्टर लालपैद से किया हुआ है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर लालपैद के बारे में आपने जरूर से जरूर सुना ही होगा, बहुत ही बढ़िया लैब है, ऐसा जैसा लैब से आपको जांच कराना है जिसकी वजह से आप कंफर्म हो पाओगे कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं, या तो फिर आपका प्रेगनेंसी नॉर्मल आया है या नहीं। तो इस जगह में आप देख सकते हैं पेशेंट का नेम वगैरह था, एज वगैरह था, डिटेल्स था, मैंने सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा ब्लर कर दिया है। तो ये जो पेशेंट है आपको ध्यान से सुनना है, एक एक चीज को आपको ध्यान से सुनना है, एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करूंगा अभी। देखिए ये जो पेशेंट टेस्ट किया था कुछ दिन पहले हमारा लैब में आया था, जांच किया था, उसका प्रेगनेंसी आया था इसका, ऐसा बोल के हमारा लैब में जांच किया था। तो लैब में जांच करने के बाद ये जो रिजल्ट है, ये जो उसका सैंपल है, सैंपल को लेके डॉक्टर लालपैद से किया हुआ था, मैंने भेज दिया था, डॉक्टर लालपैद से रिपोर्ट होके आया था। तो ये जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, पेशेंट का रिजल्ट देख सकते हैं, बीटा एचसीजी बीटा टोटल प्रेगनेंसी सीरम, और इनका जो रिजल्ट आया है आप देख सकते हैं 2 लाख से ज्यादा आया है, यानी रिजल्ट 2 लाख से ज्यादा आया है आप देख सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट 2 लाख से ज्यादा आया है ना, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मली इसका प्रेग्नेंट नॉर्मल नहीं है, यानी नॉर्मली प्रेग्नेंसी नहीं है, ये एबनॉर्मल है, क्यों मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो देखिए ये जो पेशेंट है पहले आया था, रिपोर्ट करने के बाद मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन किया था, मुझे पूछा था कि मेरा प्रेग्नेंसी कैसा है, तो मैं उसको रिजल्ट देख के बता दिया था कि आपका प्रेग्नेंसी नॉर्मली नहीं है, एबनॉर्मल है। तो उसका कुछ ही दिन बाद ही उसका मिसकैरेज हो गया, प्रेगनेंसी खत्म हो गया। तो आपको ध्यान से समझना है ये जो 2 लाख से ऊपर आया है इसको एबनॉर्मल बोला जाता है, क्यों बोला जाता है वो मैं आपको डिटेल्स में एक एक चीज को समझाऊंगा, आपको बारीकी से समझना है। सबसे पहले देखिए यहां पर दिया गया है इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले यहां पर दिया गया, आप देख सकते हैं प्रेगनेंसी वीक्स पोस्ट एलएमपी, यानी आपका एलएमपी डेट का अनुसार, आपका पीरियड का डेट का अनुसार, ओवुलेशन का डेट का अनुसार, यानी पीरियड का डेट का अनुसार आपका प्रेगनेंसी वीक दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद इस जगह में आप देख सकते हैं दिया गया एचसीजी लेवल दिया गया है कितना होना चाहिए, ध्यान से सुनना है। देखिए बीटा एचसीजी रिजल्ट तो डिटेक्ट करता है आपका ना, आप यहाँ पर कुल मिला के देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूं,
तो यहाँ आप देख सकते हैं बीटा एसजी लेवल जो आपका प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 वीक्स से लेकर 18 वीक्स तक आपका प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करता है, इसका बराबर ही आपका प्रेगनेंसी का रिजल्ट शो कराता है। तो सबसे पहले आपको चीज को समझ लेना चाहिए, आप इस जगह में देख सकते हैं जो 3 वीक्स लिखा गया है यहाँ पर ही आपको ध्यान देना है। तो 3 वीक्स के जगह आप देख सकते हैं अगर आपका प्रेगनेंसी 3 वीक्स के अंदर है तो आपका रिजल्ट इतना आएगा, यानी 5.0 से लेकर 71.20 होना चाहिए। तो काफी सारा लैब, ये जो नॉर्मल वैल्यू है काफी सारा लैब गलत देता है, ज्यादा कभी कभी ज्यादा दे देता है, कभी कभी कम दे देता है, जो कि गलत चीज है। एक्चुअल जो रिजल्ट होना चाहिए आपका ऐसा रिजल्ट होना चाहिए। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है, अगर आपका नॉर्मल वैल्यू यानी अगर आपने जांच किए हैं और रिपोर्ट में अगर आपका रिजल्ट से रिजल्ट में कुछ स्टेप का 5.80 या तो फिर 5.80 से ज्यादा है तो उसको आप समझ लीजिएगा कि आपका प्रेगनेंसी आप प्रेग्नेंट है, आपका प्रेगनेंसी आ गया है, यानी आपका अर्ली प्रेगनेंसी आ गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 वीक्स में इतना होना चाहिए, 5 वीक्स में, 6 वीक्स में, 7 वीक्स में, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है कितना वीक्स में कितना रिजल्ट कितना यूनिट आना चाहिए। और यहाँ पर लास्टली आप देख सकते हैं 18 वीक्स तक आपका डिटेक्ट करता है, 18 वीक्स जब आ जाता है अगर आपका रिजल्ट 8000 से लेकर 58000 तक होता है या तो फिर ज्यादा थोड़ा बहुत ज्यादा होता है तो उसको भी नॉर्मली प्रेगनेंसी माना जाता है। यानी मेन जो चीज मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं, अगर आपका प्रेगनेंसी कुल मिला के बाद अगर आपका प्रेगनेंसी 3 वीक्स में 5.80 से लेकर 18 वीक्स में 58000 तक है, यानी 3 वीक्स में अगर आपका प्रेगनेंसी 5.80 से लेकर 71.20 है या तो फिर 18 वीक्स में 8000 से लेकर 58000 तक है तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि आपका प्रेगनेंसी नॉर्मली आया है। समझ गए? तो देखिए यहाँ पर जो ये जो वीक्स है ना, आप देख सकते हैं अलग अलग सा वीक्स में अलग अलग सा नॉर्मल वैल्यू शो कर रहा है, जिस तरह का आपका वीक्स होगा उस तरह का ही आपका नॉर्मल वैल्यू अलग अलग सा शो करेगा। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान से समझना है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कॉम्प्लीटली वॉच करना, बहुत ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते दिया गया है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, यानी अगर आप प्रेगनेंसी आपका नहीं आया है तो आप कैसे समझेंगे? तो रिजल्ट में अगर आपका 5 यूनिट से, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका रिजल्ट में 5 यूनिट से कम आया है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, आपका प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं आया है, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, जो चीज मैंने पहले आपको समझाने का कोशिश किया था। तो देखिए अगर आपका रिजल्ट में अगर 1 लाख करीबन 1 लाख या तो फिर 1 लाख से ज्यादा आ जाता है रिजल्ट में तो आप समझ लीजिएगा कि आपका प्रेगनेंसी एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज यानी इसको समझना है, अगर आपका प्रेगनेंसी नॉर्मली ना आके एबनॉर्मल हो गया, यानी कोई सी भी टाइप का मोनल प्रेगनेंसी आ गया है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आ गया है, या तो फिर कोई भी ट्यूमर सेल प्रेजेंट हो गया है प्रेगनेंसी के जगह, जैसे कि आपका फॉलोपियन ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी आ गया है, आपका यूट्रस के अंदर किसी भी टाइप का एबनॉर्मल प्रेगनेंसी आ गया है, ट्यूमर सेल आ गया है, तो उस कंडीशन को ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज बोला जाता है। अगर आपको ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज होता है यानी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी आता है, यानी अगर आपका रिजल्ट 1 लाख या तो फिर 1 लाख से ज्यादा आ जाएगा तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, आपका प्रेगनेंसी एबनॉर्मल है, मिसकैरेज होने वाला है, या तो फिर अलग सा और भी कई तरह का प्रॉब्लम होता है वो आपका आ सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहले चीज मैंने आपको बताया था, ये जो पेशेंट का रिजल्ट है आप देख सकते हैं 2 लाख का ऊपर आया था, जो कि ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज हुआ था जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया था, यानी एबनॉर्मल सेल प्रेजेंट था जिसकी वजह से उसका प्रेगनेंसी यानी मिसकैरेज हो गया था। समझ गए? तो दोस्तों आप रिपोर्ट देख के आप सभी का दिमाग में एक ही कॉन्फ्यूजन घूमता होता होगा कि देखिए यहाँ पर कुछ केसेस में जो मैंने ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज के बारे में बताया, 1 लाख से ज्यादा होने पर ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में आप देख सकते हैं 1 लाख से ज्यादा है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 7 वीक्स में, 8 वीक्स में, 9 वीक्स में 1 लाख से ज्यादा है, 10 वीक्स में 1 लाख से ज्यादा है, उसके अलावा 12 वीक्स में आप देख सकते हैं 2 लाख से भी ज्यादा है। तो क्या फिर इस पेशेंट को ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज हुआ है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं। कैसे आप समझेंगे? क्योंकि इसका अनुसार ये जो पेशेंट है, पहले मैंने बताया था इस पेशेंट का अगर 2 लाख से ज्यादा आया है तो इसके अनुसार उसका प्रेगनेंसी आने का था, यानी 12 वीक्स के आसपास आने का था, यानी नॉर्मल होने का, यानी नॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन उसका ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज क्यों हुआ है?
तो देखिए इसको समझाने के लिए आप एक ही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अगर आपने डेज कैलकुलेशन किया है, आपने एलएमपी डेट से डेज कैलकुलेशन किया है, लेकिन कैलकुलेशन का हिसाब से कई गुना ज्यादा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, यानी अगर आपका प्रेगनेंसी आने का था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 वीक्स के अंदर आना था, लेकिन 6 वीक्स के जगह अगर आपका प्रेगनेंसी आ गया है 12 वीक्स में, मैं एग्जाम्पल लिख के लिए आपको बता रहा हूं, 6 वीक्स के जगह जो नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए उसके जगह आपका आ गया है 12 वीक्स तक आ गया, यानी 2 लाख से ज्यादा आ गया है, तो तभी आपको समझ लेना चाहिए कि आपका प्रेगनेंसी नॉर्मली नहीं है, एबनॉर्मल आ गया है, आपको ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज का प्रॉब्लम हो गया है। तो कुछ स्टेप का आप रिपोर्ट को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, मैंने डिटेल्स में आपको बता दी है कैसे आपको पढ़ना है और समझना है। कुल मिला के बात यह है, अगर आप घर बैठे सोच रहे हैं कि बेटा एसएचजी रिपोर्ट कराना चाहते हैं, तो कुछ स्टेप का लैब को आप चुने, जो कि बहुत ही बढ़िया लैब को आप चुने, वरना आपका रिपोर्ट गलत आ सकता है और समझने में तकलीफ आ सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा, एक्चुअली कुछ केसेस में बेटा एसएचजी लेवल अगर आपने आपका डेज कैलकुलेशन किया है लेकिन उससे ज्यादा कम हो जाता है, यानी कम रिजल्ट आ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशन हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट कम आ सकता है, जैसे कि आपका जो डेज कैलकुलेशन आपने कर रहे हैं वो गलत हो सकता है जिसकी वजह से आपका बीटा एसएचजी लेवल कम आ रहा है, या तो फिर जिस लैब से आपने टेस्ट किया है वो लैब अच्छा नहीं, यानी रिपोर्ट आपका अच्छा नहीं दिया है, और कुछ केसेस में आपका रिपोर्ट बढ़ जाता है, यानी आपने डेज कैलकुलेशन किया है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, उससे ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए कुछ केसेस में आपका बीटा एसएचजी लेवल आपका डेज कैलकुलेशन का हिसाब से ज्यादा बढ़ सकता है, जैसे कि जब आपका प्रेगनेंसी के लिए आपका ट्रीटमेंट चलता है तो कुछ केसेस में कुछ हार्मोनल थेरेपी दिया जाता है, कुछ हार्मोनल इंजेक्शन आपको देना पड़ता है, जैसे कि कुछ एचसीजी इंजेक्शन दिया जाता है, एलएच हार्मोन दिया जाता है, एफएसएच हार्मोन दिया जाता है, आपका अगर अंडाणु बाहर में नहीं निकल के आ रहा है तो उस केसेस में इस हार्मोनल थेरेपी दिया जाता है, जिसकी वजह से कुछ केसेस में आपका बीटा एसएचजी लेवल बढ़ सकता है। तो और एक चीज, कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है आपका बीटा एसएचजी लेवल फॉल्स नेगेटिव भी आ सकता है। देखिए फॉल्स नेगेटिव कभी कभी आ जाता है, कुछ केसेस में हो सकता है, जैसे कि अगर आपने जहां से लैब, एक ही कारण हो सकता है, जिस लैब से आपने जांच करा है वो लैब अच्छा नहीं है, इसलिए आपको सही से एक अच्छा लैब को चूज करना है, यानी उस रिपोर्ट आपका अच्छा नहीं है, और कुछ केसेस में आपका लेवल यानी आपका बीटा एसएचजी रिपोर्ट फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है। फॉल्स पॉजिटिव काफी सारा रीजन से आ सकता है, जैसे कि कुछ केसेस में आपका, मैंने आपको पहले जिस तरह का बताया, अगर आपको ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज हुआ है, ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज यानी अगर आपका मोनल प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम हुआ है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम हुआ है, तो उस केसेस में यानी आपका ट्यूमर सेल आ गया है ओवरी के अंदर, तो उस केसेस में आपका फॉल्स पॉजिटिव भी कभी कभी आ जाता है, यानी आप प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपका फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है, और कुछ केसेस में भी फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, जैसे कि अगर आपको बाउल इन्फ्लामेशन डिजीज हुआ है, उसके अलावा लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम हुआ है, कैंसर हो गया है, और भी कई तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, उस केसेस में आपको फॉल्स पॉजिटिव भी देखने को मिलता है, यानी आप प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन फिर भी रिपोर्ट में फॉल्स पॉजिटिव शो करेगा। तो ये जो कॉन्फ्यूजन है आप बहुत ही आसानी से मिटा सकते हैं। देखिए अभी आप लोगों का मन में कॉन्फ्यूजन होता होगा कि तो रिपोर्ट मैं कैसे समझूंगा कि रिपोर्ट ठीक है या गलत है, या तो फिर फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है, या तो फिर फॉल्स नेगेटिव आ रहा है, या तो फिर लेवल बढ़ गया है, लेवल कम गया है, कैसे आपको पता चलेगा? तो देखिए इसको समझने के लिए आपको दो काम करना है। सबसे पहले आपको एक अच्छा सा लैब को चूज करना है, एक अच्छा सा क्लिनिकल लेबोरेटरी को चूज करें जहां पर रिपोर्ट बहुत बेहतरीन आता है, बहुत बेहतरीन लैब से आप जांच करें जिसकी वजह से आप वहां से कन्फर्म हो सकता है। और दूसरा चीज जो लास्टली मैंने एक चीज बताया था, ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, उस ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज को आप देख के समझ जाओगे कि आपका प्रेगनेंसी नॉर्मल है या तो फिर एबनॉर्मल है, या तो फिर फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है या नहीं, वो आप समझ जाओगे। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको एक एक चीज को सेपरेटली बताने का डिटेल्स में कोशिश किया है, उम्मीद है कि आप लोग सब कुछ समझ गए। लेकिन फिर भी अगर कोई भी कॉन्फ्यूजन रह जाता है तो आप इस वीडियो का नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ कॉमेंट करके भी बता सकते हैं। फिर भी अगर कोई भी कॉन्फ्यूजन हो रहा है, आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, लाइव चैट करना चाहते हैं, आप रिपोर्ट पढ़ नहीं पा रहा है, रिपोर्ट समझ में नहीं पा रहा है, तो आप रिपोर्ट मुझे इंस्टाग्राम पे आप सेंड करना चाहते हैं तो सेंड कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी का डायरेक्ट लिंक भी आपको इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।